दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ हिंदुस्तानी मन्नू में। दोस्तों भूत प्रेत चुड़ैल बाबे तांत्रिक ये सब ओल्ड फैशन हो गया है, अब जमाना है जॉम्बीज का। दोस्तों आपने नेटफ्लिक्स की राधिका आप्टे वाली हॉरर सीरीज घोल जरूर देखी होगी। जी हाँ, वही घोल जिसे देखकर डर के मारे अच्छे अच्छों की फट गई थी, बहुत डरावनी थी यार। तो घोल के राइटर पैट्रिक ग्राहम ने हुमा कुरेशी की वेब सीरीज लैला की राइटर सुहानी कंवर के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स के लिए एक और धांसू धमाकेदार सीरीज लिखी है जिसका नाम है बेताल। और दोस्तों इसके मेकर्स हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान, जिन्होंने सीरीज का डायरेक्शन करवाया मराठी फिल्मों के डायरेक्टर निखिल महाजन से। इसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ दोस्तों, बहुत डरावना है। अब बात करते हैं कि बेताल में आखिर ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों बेताल बनाई गई है जोम्बी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, वही जोम्बी जो ना तो जिंदा होते हैं ना मरे होते हैं, जबकि हकीकत में जोम्बी जैसा कुछ होता ही नहीं है। पूरी दुनिया लगभग 90 सालों से जोम्बीज के ऊपर फिल्में बना रही है, लेकिन हमारे देश में क्यों नहीं बन रही। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जोम्बीज के ऊपर किसी को विश्वास नहीं होगा, अरे भाई जब भूतों पर विश्वास कर सकते हैं तो जोम्बीज पर क्यों नहीं। हालांकि रिश्ते में तो दोनों कजिन ही हुए ना। बात सिर्फ इतनी है कि बॉलीवुड नए एक्सपेरिमेंट करने से डरता है, और ये एक्सपेरिमेंट किया है शाहरुख खान ने। खैर ऐसा नहीं दोस्तों कि किंग खान ने ये रिस्क लेकर पहला इंडियन जोम्बी प्रोजेक्ट बनाया हो, इससे पहले सैफ अली खान भी जोम्बी मूवी लेकर आ चुके हैं जिसका नाम था गो गोवा गॉन, और इसी साल गोस्ट स्टोरी नाम की एक सीरीज के एक एपिसोड में भी हम जोम्बीज को देख चुके हैं। खैर दोस्तों बात करते हैं बेताल की कहानी के बारे में। तो दोस्तों दूर दराज के गांव में एक घटना घटती है जहां बेताल एक पहाड़ का नाम है, और इस पहाड़ के पास में बनने वाला है हाईवे जिसके लिए इंडियन आर्मी पहाड़ के आसपास रहने वाले गांव के लोगों को वहां से हटाना चाहती है। अब दोस्तों आप तो जानते हो अंधविश्वास शहरों से ज्यादा गांव में पनपता है, तो उस गांव के लोगों का मानना है कि वो पहाड़ भूतिया है और उस पहाड़ की सुरंग के अंदर एक बहुत बड़ा शैतान सो रहा है, अगर वो जाग गया बाहर आ गया तो सबको मार डालेगा। सीरीज का हीरो है सिरोही जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता, गांव वालों के समझाने के बाद भी वो सुरंग में अपनी टीम को लेकर घुस जाता है जहां उसे बहुत सारे अंग्रेज सैनिक गड़े हुए दिखाई देते हैं। सिरोही की टीम की वजह से वो सैनिक जोम्बी बनकर जाग जाते हैं और आर्मी सहित पूरे गांव के पीछे पड़ जाते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वो अंग्रेज सैनिक जोम्बी कैसे बने, यहां कैसे आए, और सिरोही अपनी टीम को और गांव वालों को जोम्बी से कैसे बचाता है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी बेताल। दोस्तों बेताल का ट्रेलर बहुत धांसू और डरावना है। डरावनी फिल्मों में ज्यादातर सेम स्टोरी होती है, लेकिन इस सीरीज का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये उन परंपरागत हॉरर फिल्मों से काफी अलग है जिस तरह तुम्बाड़ और घोल थी। अगर जोम्बीज की मूवी की बात करें तो ज्यादातर जोम्बी मूवी सर्वाइवल मूवी होती है, लेकिन इस फिल्म में जोम्बी की बैक स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। जोम्बीज का कंसेप्ट गाँव में दिखाना भी एक इंटरेस्ट पैदा करता है। इस मूवी का नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया, बेताल। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो बचपन में विक्रम बेताल और बेताल 25 नाम की कहानियां पढ़ी होंगी, उनमें भी जो बेताल होता है वो भी जोम्बी की तरह ना तो जिंदा होता है ना मरा होता है, इसीलिए जोम्बी को एक तरीके से बेताल कहना भी सूट करता है। और बेताल का नाम सुनकर दिल में आता है कि जरूर एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट स्टोरी होगी। अब दोस्तों बेताल के लीड एक्टर हैं मुक्काबाज वाले विनीत कुमार, अहाना कुमरा और सुचित्रा पिल्लई। खैर दोस्तों 24 मई को बेताल नेटफ्लिक्स पर आ रही है, और देखना दिलचस्प होगा कि बेताल कितना बड़ा धमाका करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको ट्रेलर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए हिंदुस्तानी मन्नू।